देखिए सेठ जी, सब तैयारी बराबर हो गई है ना? खाली एक चेयर डबल कर दो, एक और चेयर रख दे इसके ऊपर। क्यों? हाथी भाई आ रहे हैं ना? हाँ, भूल गया। हाथी भाई अगर सिंगल कुर्सी पे बैठेंगे तो कुर्सी के पैर ऐसे हो जाएंगे। अरे भाई, तुझे कुर्सी की चिंता हो रही है, हाथी भाई गिर गए तो? सॉरी सॉरी, अभी अभी लाता हूँ। जा जा, लेके आ, लेके आ, जल्दी 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 लेके आ। ऐसी ये देखिए, हो गए कुर्सी के पैर एकदम मजबूत। अब हाथी भाई नहीं गिरेंगे। भैया, चार चार कुर्सी पर हाथी भाई बैठेंगे तो उनके पैर हवा में लटकेंगे भाई, और ज्यादा देर तक हवा में पैर लटका के बैठेंगे तो उनके पैर में खाली चढ़ जाएगी। दो निकाल दे, खाली दो रहने दे। ठीक है सेठ जी। देखिए अब ठीक है? हाँ अभी ठीक है। सेठ जी, 6 बजने ही वाले हैं, आपके सारे गोकुल धाम के दोस्त आते ही होंगे। अरे सिर्फ आते ही होंगे नहीं बागा, खुश खुशहाल आते होंगे। कितने टाइम के बाद हम सब दोस्त यहाँ गोडाउन में एक साथ मिल रहे हैं, मजा आएगा बागा। सबके लिए तूने रजवाड़ी चाय और नाश्ते का बंदोबस्त कर दिया है ना? हाँ सेठ जी, सब बंदोबस्त हो गया है। उनके आते ही मस्त गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय और नाश्ता हाजिर हो जाएगा। बोलो बोलो पोपटलाल। तो मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हो? नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं मीटिंग कैंसिल है, पार्टी भी कैंसिल है, पर क्यों? हेलो, क्या हुआ सेठ जी? पोपटलाल का फोन था, कह रहा है कि वो लोग अभी नहीं आ रहे। हाय हाय, क्यों भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, उन्होंने बताया नहीं? इतना ही बोला कि मीटिंग और पार्टी कैंसिल है, इतना बोलकर फोन रख दिया। बाप रे, जो लगता है उसे भी तेरी बीमारी लग गई है। मेरी वाली बीमारी कौन सी? फोन पे आधी बात करके फोन कट कर देने की। ये आधी आधी बात बताता है पोपटलाल की। बोलो अभी इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे सेठ जी, हमने चाय नाश्ते की तैयारी कर ली है, उसका कैंसल कर दे और क्या। नहीं नहीं नहीं, कैंसल नहीं हो सकता, उन्होंने बनाना चालू कर दिया होगा। तो हमारी ओर से आजू बाजू की दुकान में बांट दे। ये भगवान से भी ना मेरी खुशी देखी नहीं जाती। मैंने सोचा था सब दोस्त आएंगे, इन्हें चाय नाश्ता करेंगे, गप्पे मारेंगे, हंसा हंसी करेंगे, सब प्लान चौपट हो गया। अब जब जब खुश होते हैं तब तब आपके साथ ऐसा ही होता है, आपके खुशियों की रिंगटोन अचानक टेंशन का टोन बन जाती है। अरे तो अभी क्या खुश होना भी बंद कर दूं? काउंटर अटैक है? आपके भाग्य की वाइडाई आपको चैलेंज कर रही है ना, तो अब आप डबल फोर्स से खुश होइए। हसिए सेठ जी, हसिए, अपने भाग्य पर हसिए। अभी? हाँ हाँ अभी, आपके भाग्य ने अभी गुगली फेंकी है ना, आप भी स्टेप आउट करके अभी सिक्स मार दीजिए। शाबाश सेठ जी, शाबाश। अरे वाह वाह वाह, आप लोग ये मतलब ये। अरे जेठालाल, तुम क्यों हंस रहे हो? हमने मजाक किया है तो हमें हंसना चाहिए। ओए तोपू, तेरा तो पोपट हो गया। मतलब तूने मेरे साथ मजाक किया था? हाँ मतलब पोपटलाल ने बोला कि जेठा को फोन करके बोलते हैं कि आज की मीटिंग और पार्टी कैंसिल। अरे भाई, ऐसा मजाक आइंदा मत करना पोपटलाल, प्लीज। आपको पता है सेठ जी कितने मायूस हो गए थे? ऐसा लग तो नहीं रहा था भाई, जेठालाल कितनी जोर जोर से हंस रहा था। वो तो अपने भाग्य पर अटहास्य कर रहे थे। हाँ, लेकिन अभी आप सब आ गए तो अभी मूड एकदम मस्त हो गया। बैठिए बैठिए बैठिए। हाथी भाई, हाथी भाई आप यहाँ।
हमारा बस ना। हाँ एक मिनट मिनट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से जेठालाल तुम्हें बड़ी डील मिलने की खुशी में तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। ओ भाई ओ भिड़े, पूरी सोसाइटी की ओर से दे रहा है मतलब तूने ये बुके खरीदने का पैसा सोसाइटी फंड से लिया? देख भिड़े, तू अपनी मर्जी से ऐसे बिना कमिटी को पूछे पर्सनल खर्चा सोसाइटी फंड से नहीं कर सकता है। पता है मुझे पोपटलाल, मैं कभी भी अपना पर्सनल खर्चा सोसाइटी के खर्चे से नहीं करता हूँ। ये बुके मैं अपनी खुशी से अपनी जेब से खर्चा करके दे रहा हूँ जेठालाल को। तुम मेरी कर्तव्य निष्ठता और ईमानदारी पर सवाल मत उठाओ। ये लो जेठालाल। अरे भाई हो तो उसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकल रहा है? सॉरी सॉरी जेठालाल सॉरी। तो जेठालाल, पुरुष मंडली की ओर से सिवाय पोपटलाल के ये बुके मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।